अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिले के उपमंडल बड़सर के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन एक स्कूली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी। बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद छात्रा की तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद में उसे पीजीआई रेफर किया, जहां उसने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने पूर्व में जिला मुख्यालय हमीरपुर में स्टाफ नर्स और निजी अस्पताल में स्कूल अध्यापिका की मौत के बाद हुए चक्का जाम और प्रदर्शन से सबक लेते हुए बड़सर अस्पताल के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया, ताकि कोई अनहोनी ना हो। वहीं परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पिछले कल रात को 10:30 के आसपास सिविल हॉस्पिटल बड़सर का मैंने दौरा किया। सूत्रों से मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर 5-6 बच्चे जो हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने इंजेक्शन दिया और उनको रिएक्शन हो गया, और इसी के चलते जो है वहाँ पर एक बच्चे को वो ज़्यादा सीरियस हो गया रिएक्शन होने के बाद, और उसको डॉक्टर्स ने जो है रेफर कर दिया उन्ना के लिए। तो अभी अभी मुझे पता लगा है कि वो बच्चा जो है कोलैप्स हो गया है, और ये बहुत ही दुख भरी घटना है बड़सर धनसभा क्षेत्र के लिए, और एक शर्मनाक विषय भी है। कल जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो इंजेक्शन बहुत बढ़िया है, ये लगाए जाते हैं, अमूमन तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। लेकिन आज जो ये वाकया हुआ है, ये घटना घटी है, और जिनका घर का चिराग बुझा है उसके बारे में अब ये डॉक्टर को